अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनमिता माँ चैनल। देख लो ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ आज, बहुत ज़बरदस्त है। आज तक किसी ने पूरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं की होगी और बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र खोल के रखो और अर्निंग अपने देखो आप जादू। ये देख लो, ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, ये हो रहा है, ये चल रहा है, देख लो ऑटो चल रहा है भाई, ऑटो चल रहा है। देखो कुछ भी नहीं कर रहा, ब्राउज़र खोल के रखा है, ब्राउज़र खोल के रखा है और इसकी पेमेंट आ रही है मेरे डायरेक्ट फोसिट पे के अंदर। ये देखो खुद ब खुद आ रही है। मैं कुछ नहीं, देखो 27 तारीख आज, इधर भी देख लो आज की टुडे पेमेंट। ये देखो अभी सिर्फ चलाया है मैंने 5 मिनट बस। ये देखो ऑटो होता रहेगा, खुद ब खुद पेज रिफ्रेश होता रहेगा। ये देखो ऑटो अर्निंग हो रही है, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है, सही है, क्योंकि मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को वो बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फॉसेट पे अकाउंट सेट करोगे स्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से स्क्रिप्ट सेट करनी है, किस तरीके से क्या करना है। आप लोगों को अपना फॉसेट पे ईमेल एड्रेस लगाना है, यूज़र नेम लगाना है और स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को जो है वो लगाना है, क्या कहते हैं, एड्रेस लगाने, वॉलेट एड्रेस। इसलिए पूरी वीडियो देखना, मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा अगर आपके स्क्रिप्ट वर्क नहीं की, आपके सामने लाइव वर्क कर रही है स्क्रिप्ट। इस तरीके से छोटे छोटे मल्टी अकाउंट बनवाऊंगा, यूं करके ऐसे करके लगा दो, स्क्रिप्ट वर्क करती रहेगी, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जितने आ रहे हैं उतने लगा दो, 20 बनाओ, 30 बनाओ, जितने बनाने बनाओ। ये तो मैंने अभी एक बनाया हुआ है तो देख लो आप। ऑटो होगा यार, सब ऑटो होगा, देख लो खुद ही हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखो अभी, देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो कितनी पेमेंट है, 72 है, और यहाँ देखो, और ये देखो पेज रिफ्रेश करा, ये देखो 74 हो गई, और ये देखो यहाँ 7 था, यहाँ 8 हो गया, बहुत ज़बरदस्त है। बस पूरी वीडियो देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इस तरीके से क्रोम का यूज़र बना लेना है। देखो ऐड करा मैंने यहाँ कंटिन्यू विदाउट अकाउंट, यहाँ देंगे हम क्लेम फ्री कॉइंस, सही है। अब आपको जितने यूज़र बनाने हैं, आपको क्या करना है, या तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लगा लें, या क्लेम फ्री कॉइंस 1, क्लेम फ्री कॉइंस 2, सही है। और ये मैं डेस्कटॉप पे जाने देता हूँ, और ये मैंने डन करा, और ये क्लेम फ्री कॉइंस के नाम से आ गया होगा। ये देखो ये आ गया क्लेम फ्री कॉइंस के नाम से। अब जो मैं ये एक ब्राउज़र के अंदर कर रहा हूँ, वो आपको जितने ब्राउज़र बनाने हैं उसके अंदर करना है, सही है, उसके अंदर करना है। अभी मैं इसको कट कर दूँ क्या, छोड़ो, अभी जितने ब्राउज़र मैं बना रहा हूँ, एक ब्राउज़र बता रहा हूँ, वो सेटिंग करनी है आपको। सबसे पहले जो है टेम्पर मंकी डाउनलोड कर लेनी है एक्सटेंशन, वायलेंट मंकी डाउनलोड करी। देखो गौर से देख लो, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में मुझसे पूछते हैं कि यार ये हमने तो डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बस मैं ये चाहता हूँ कमेंट्स मुझे, देखो क्रूम में कर रहा हूँ, क्रूम नेक्स्ट किया, जो जो स्क्रिप्ट ज़रूरी हैं वो मैं भी बता रहा हूँ, जो जो एक्सटेंशन ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी होने वाली है, या तो मैं सोच रहा था पार्ट 2 पे बनाऊं इसको, लेकिन मैंने बोला यार बस एक ही दफ़ा बता देता हूँ, सही है। वायलेंट मंकी कर लिया, ये लो वायलेंट मंकी भी आ गया हमारे पास, देर बहुत लगा रहा, नहीं क्या वो ब्राउज़र,
ऑलरेडी कह रहा है कि हो गई है। ये देखो डाउनलोड हो गई है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सही है, यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद इसको मैं पिन करूँगा। पिन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। अब मेरा काम यहाँ ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है इसको मैं ऐड प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे काम हमारा हो जाता है शुरू। पर उससे पहले हम एक चीज़ और डाउनलोड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्लियर नहीं ऑटो और से देखना, मुझे नहीं बोलना बाद में भाई, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, फिर मैंने पहले ही बोल दिया है। ऑटो क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ऑटो क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसको पहले क्लिक करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, मैं बस चलाओ। इस पर मैंने ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन किया, अभी और ये डाउनलोड। इस वाले को भी हटा देता हूँ मैं, ये देखो इसको भी पिन करूँगा। इस वाले को भी हटा देता हूँ, तंग मत करें ना ये। सही है, अब ये भी हो गई। अब इसको हम सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सही है, अब ये तो वो है यार, तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा ये वाली नहीं है। ऑटो क्लियर हिस्ट्री लिखा, देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो ही लिखना है। कौन सी वाली है, ये वाली है, पहले मैं देख लूँ है कौन सी। कुकी ऑटो डिलीट, यहाँ लिखेंगे कुकी ऑटो डिलीट। ये आ गई, ये वाली है कुकी ऑटो डिलीट, ये वाली देख लो, इसका लोगो देख लो। तो मैंने करा एक्सटेंशन ऐड करा, ये भी हो जाएगी ऐड। लो ये भी ऐड हो गई। यहाँ पे इसकी सेटिंग देखो, इसकी सेटिंग बताऊँ मैं क्या करना है। सही है, इसकी सेटिंग में आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इसको पिन करते हैं, पहले पिन कर लिया। अब इसको क्या करना है, अभी इसको नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वेबसाइट अभी ऐड करेंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ये एक दो तीन चार स्क्रिप्ट हैं ये। सबसे पहले ये वाली स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं, ये आपको मिल जाएगी। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। यहाँ मैंने इसको ऐड करा सेविंग क्लोज, ये मैंने इस पर क्लिक करा, सेटिंग पे सिंगल कॉलम करा। सही है, अब एक और करूँगा मैं ये वाली, इसको मैंने क्लिक करा कंट्रोल ए कंट्रोल सी करा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, गौर से बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बाद में कोई ना पूछे। प्लस करते जाएंगे और एड कर, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कर देंगे, यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देंगे, ये ऊपर का बटन देख लो। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, दोबारा कंट्रोल ए करूँगा, ए बी लिंक पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी
और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दूंगा और 7 क्लोज कर दूंगा। अब रह गई एक रिकैप्चा, इसको भी मैं खोलूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर चेंजेस हैं, हाँ वो ज़रा गौर से देखना। इसको प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और ये 7 क्लोज, ख़त्म कहानी। सही है। अब ये चारों एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई हैं, इनके इसके अंदर ये दो स्क्रिप्टों के अंदर चेंजेस करनी है। अब मैं क्या करूँगा, ये पहले तो सब मैं कट कर दूँ। सही है, ऑटो इसको भी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आपको मैं ये एडिट का बटन आ रहा है, इसको हमें खोल लेना है। इसको हमें खोलना, नीचे आ जाना है। नीचे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 112 की लाइन है ये, इसके अंदर आपको यहाँ BTC एड्रेस देना है, और एड्रेस कौन सा देना है, फॉसेट पे वाला। यहाँ मैं खोलता हूँ, यहाँ मैं लिंक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। लिंक एड्रेस पे क्लिक करने के बाद जो है, मैंने ये एड्रेस मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर सबको पता होगा किस तरीके से यहाँ एड्रेस ऐड करते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं पता, बता देना, मैं इसकी भी एक वीडियो ले आऊँगा किस तरीके से ऐड करते हैं फॉसेट पे में एड्रेस। मैंने बिटकॉइन का एड्रेस कॉपी करा, यहाँ पे मैं आया, यहाँ मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये कॉमा छोड़ देना ये, और इंटर से लेके एड्रेस तक, ई से लेके एस तक इसको सेलेक्ट करना है, और पेस्ट कर देना राइट क्लिक करके। BNB का एड्रेस भी चाहिए, BNB का एड्रेस है, BNB, पता नहीं मैंने BNB कहाँ से दे दिया वहाँ। खैर छोड़ो BNB, अभी आप लोग खुद कर लेना, वैसे मैं बस करके दिखा रहा हूँ। एक दो इथेरियम, इथेरियम पे मैं क्लिक करा, इथेरियम ये रहा, ETH लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इथेरियम है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ कंट्रोल वो सॉरी कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, सॉरी इसको मैंने ऑल को सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और देखते रहना, यहाँ जो है इधर गैप वगैरह नहीं आ जाए, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं क्या करूँ, दो पार्ट में नहीं कर सकता। खैर अच्छा, अब गलती हो गई, DGB में कर दिया, हमें एथेरियम में करना है। एथेरियम में मैंने करा कंट्रोल, मैंने वी यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डोज कॉइन, डोज कॉइन ये डोज कॉइन, डोज कॉइन के एड्रेस ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आप लोग जो है सारे एड्रेस लगा देना। अब यहाँ पे ये आपके जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये आपको हो गया एड्रेस लगाना है। सही है। अब यहाँ पे आपको फॉसेट पे का ईमेल एड्रेस लगाना है। सही है। और यहाँ पे यूज़र नेम देना है फॉसेट पे का, ये इंटर योर फॉसेट पे यूज़र नेम। यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, यूज़र नेम यहाँ से मिलेगा, ये अपने आपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। ये यूज़र नेम है आपका, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाके यूज़र नेम दे देना है, और यहाँ अपना फॉसेट पे का ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। अब सुन लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। सही है, यहाँ पे सॉरी, अब आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल एफ दबाना है, कहीं पे भी करके दबा सकते हो, कोई मसला नहीं। कंट्रोल एफ आपने किया तो यहाँ पे सर्च बार खुल जाएगा, सर्च बार खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है AUTBLE, सॉरी हम इसको ढूंढते हैं, लाइन नंबर 100 कुछ था, ये रहा अरूबल। ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक .NET तक कॉपी करना है। कहाँ तक करना है, 164 लाइन नंबर है, ये देख लो 164, गौर से देख लो, 164 लाइन नंबर है। इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है,
कॉपी करने के बाद सर्च, ये जो हमने खोला कंट्रोल एफ से, इसको हमें यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ ऑल पे क्लिक कर देना है। सही है, ऑल पे क्लिक करा, ये सब गया, कहाँ गया, 164 लाइन नंबर था, 164, सॉरी दोबारा से गलती हो गई, दोबारा से इसको कंट्रोल वी करते हैं हम, कंट्रोल वी करा, दोबारा से हम आते हैं 164 लाइन नंबर पे, 164 ये रहा, और इसको दोबारा से हमें कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, जितने भी हैं ये सब को हटा दो यहाँ से, जितने भी हैं ना, ये लग रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। 164 मैं बताया क्या URL हटा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ मैं कौन सी URL हटा रहा हूँ, मैं ये वाली URL हटा रहा हूँ, ये वाली, हमें ये वाली URL हटानी है। सही है, मैंने यहाँ ये कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट करा, पूरी URL ले ली मैंने, कॉपी कर दी, और यहाँ पे ऑल हटा दी मैंने, अरूबल ये भी मैंने कॉपी करी, ये भी मैंने ख़त्म कर दी, डिलीट पूरी सेलेक्ट करी, डिलीट कर दी, हमें हटानी ये यहाँ पे, ये अरूबल लिखा हुआ .net ये वाली पूरी हटा दी, ये लो इसको भी मैंने हटा दिया, हमने क्या करना है, हमें जो है हट गई क्या, सारी हट गई, और यहाँ से भी सबसे ऊपर आएंगे, ये अरूबल हटा देना है यहाँ से, और से देख लो, सही है। अब इसके अंदर जो है और क्या रह गया है, बस एक दफ़ा जो है मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, अरूबल, सिर्फ अरूबल .net, सिर्फ अरूबल .net, बस ये देखो ये अरूबल हटाया हमने यहाँ से, अरूबल जितना भी है वो सब हटा देना है हमें, ये आप लोगों को काम करना है, ये मैं कैसे हटा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से हटा रहा हूँ ये आप खुद ही देख लो, क्योंकि ये मेन हिस्सा है स्क्रिप्ट का, अरूबल अरूबल ये रहा, इसको हमें हटाना लाजमी है, अरूबल अरूबल ये रहा, यह आप लोगों को देखना है खुद स्क्रिप्ट के अंदर, ये अरूबल, इसको भी हटा के पेगो बार, अब तो नहीं है कोई, एक दफ़ा यहाँ क्लिक करके या इंटर करके देख लेता हूँ, देखो ये आ गए, इसको भले लगे रहने दो, कोई मसला नहीं है, हमें वही वाली लाइनें हटानी है, ये वाली लाइनें हमें हटानी है, रूबल वाली, बस बस सही है, सब गए। अब क्या करना है, हमें जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे आप लोगों को समझ गए होंगे, यहाँ पे पहले मैं अपना एड्रेस लगा दूँ डोज कॉइन का, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमें करना है सेव एंड क्लोज, सही है, ये हो गई, अब हमें आना है इस वाली पे, इस वाली पे हमें आना है, यहाँ पे भी आपको जो है वही लगाना है, बिटकॉइन एड्रेस लगाना है, डोज कॉइन एड्रेस लगाना है,
हाँ, तो अब पता क्या करना है, इसके अंदर ये बिटकॉइन एड्रेस में लगा सारे एड्रेस लगा देने, और यहाँ फॉसेट पे का ईमेल एड्रेस देना है आपको। सही है, मैं अपना फॉसेट पे का ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बिटकॉइन ऐसी दे देता हूँ आपके लिए खाली, जैसे मैं बाद में जो है सारे एड्रेस लगा लूँगा। सॉरी, बैलेंस भी है बैलेंस। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, जैसे कोई एड्रेस वगैरह कैसे देना है, कहाँ देना है, तो मुझे बता सकता है, मैं एड्रेस पर वो बना दूंगा। ये डोज कॉइन है, मैंने क्या डोज कॉइन का एड्रेस दे दिया इधर, यहाँ डोज कॉइन का एड्रेस दे देता हूँ, और यहाँ पे BTC का दे देता हूँ। ऐसी ऐसी आपको दिखाने के लिए मैंने दे दिया अभी फिलहाल। सही है, और यहाँ पे आके आपको ये और अरूबल क्या है जो भी है भाई, इसको हटा देना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सही है, ये सब मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ईमेल एड्रेस देना लाजमी है। सही है, और वहाँ पे भी मैं ईमेल एड्रेस दे दूँगा अभी। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, देख लेते हैं। नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7 क्लोज करा, ऊपर भी मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे। देखो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई आपका जो है ना, सही है। अब ये लग गया, मैंने 7 क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ लिखेंगे क्लेम फ्री, क्लेम फ्री। यहाँ पे वैसे मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से आप लोग जो है वो कर सकते हो। ये सब करने के बाद, स्क्रिप्ट वगैरह लगाने के बाद, आप लोग लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप लोग वो कर सकते हो अपना। इस पे क्लिक करोगे, फ्री बिटकॉइन पे क्लिक करना है आपको, और ये स्क्रिप्ट खुद ही ऑटोमेटिक चालू स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो खुद ही ऑटोमेटिक जो है ये करेगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है, छोटा करके और ऐसे साइड पे कहीं भी रख देना है। देखो खुद ही लॉगिन हो रहा है, खुद ही सब कुछ हो रहा है, खुद ही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ BTC और डॉज कॉइन का एड्रेस दिया हुआ है। देखो ये सब खुद ही हो गया, देखो वो भी ऑटोमेटिक हुआ चला गया, ये रिकैप्चा भी होगा खुद ब खुद चला जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों को जो है मैं बताऊँ, आप लोग जितने मर्जी चाहे, आप लोग जितने ब्राउज़र बनाओगे उतनी फास्ट रनिंग होगी, उतनी ज़्यादा रनिंग होगी। सही है, इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हो। ये देखो ये खुद ब खुद हो गया, अब ये BTC चेंज होगा, अब दूसरा आ जाएगा। अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने वो नहीं लगाया हुआ होगा, कोई एड्रेस नहीं लगाया हुआ होगा जैसे LTC इथेरियम वगैरह का, तो वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, और जो एड्रेस लगा हुआ होगा वो वहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। सही है, ऐसे ये तो चलता रहेगा। खैर, आप लोगों के फॉसेट अकाउंट में जो है वो पेमेंट जाती रहेगी, और इसकी जो है आप लोग जितनी डबल अर्निंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे फॉसेट पे अकाउंट में जो है ये अमाउंट आ रही है, ये सिर्फ अभी एक उसकी अमाउंट थी जो मैंने करी है। सही है, अभी देखो ये थोड़ी देर पहले BTC हमने लगाया था, तो ये BTC का भी हमें जो है वो अमाउंट मिल गया है। अच्छा, अब आप लोग तो समझ गए होंगे। खैर,
या होता रहेगा ये, इनको आने दो एडवर्टाइज वगैरह जो भी है इसको आने दो, एड ब्लॉकर नहीं लगाना नहीं तो फिर जो है स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। सही है, जितने एड्रेस लगाओगे उतना अच्छा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को किस तरीके से स्क्रिप्ट बाय करनी है, बाय नहीं करनी सॉरी, आप लोगों को डाउनलोड करनी है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाता हूँ, जैसे आप लोगों को ब्राउज़र में आना है, आप लोग को google.com खोलना है। google.com खोलने के बाद आपको लिखना है बायपास शॉर्ट लिंक, सही है, बायपास शॉर्ट लिंक लिख दिया आपने। अर्न विथ हम्मत आगे लिख देना, लिखना है तो नहीं आया तो अर्न विथ हम्मत लिख देना आ जाएगा। बायपास शॉर्ट लिंक मैंने लिखा, ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी, बल्कि अर्न विथ हम्मत लिख ही देता हूँ मैं, अर्न विथ हम्मत, ये मेरी वीडियो आ गई, और ये मेरा नीचे चैनल आ, ये आ गया, ये मेरी वेबसाइट आ गई। सही है, इस पे मैंने क्लिक करा, ये मेरी वेबसाइट आ गई। नहीं तो आप अगर यहाँ पे खोलो कि बाबलो ऑटो स्क्रिप्ट भी लिखेंगे तो भी मेरी वेबसाइट आ जाएगी, खोलो कि बाबलो ऑटो स्क्रिप्ट कैप्चा स्क्रिप्ट लिखेंगे रिकैप्चा तो भी मेरी वेबसाइट आ जाएगी। और से देख लो कि कितना वो हो रहा है। सही है, ये देखो ये मेरी वेबसाइट आ गई, इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे खोल दिया है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ऑटो क्लेम यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ऑटो क्लेम वेबसाइट की सारी स्क्रिप्ट आया करेंगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा, ऑटो पेज पे मैंने क्लिक करना है मुझे, इस पर मैं होवर करूँगा, क्लिक नहीं करना नहीं तो रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। इस पर मैंने किसी माउस कर्सर रखा और नीचे आके मैंने ऑटो पेज रिफ्रेश स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे करके क्लिक कर दिया, ये आ गया। इस पर भी मैंने क्लिक करा, अब ये मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे स्क्रिप्ट में। नीचे आऊँगा, ये पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना जो आपकी मर्ज़ी। ये नंबर वन, डाउनलोड टोटल 4 स्क्रिप्ट, अदरवाइज स्क्रिप्ट नॉट वर्क, 4 स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है वरना स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। आपको ये पहली स्क्रिप्ट है और बाकी 2-3 स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इस पे डाउनलोड करोगे। पहले आपको रेड बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे वेट करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर यहाँ पे कहीं भी आप इसको क्लिक करके आप कहीं और चले गए तो ये टाइमर यहीं पे रुक जाएगा, इसलिए आप लोगों को यहीं पे रुकना है थोड़ी देर के लिए, 70 सेकंड के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको टाइमर चलने दूँ, यहाँ पे क्लिक करके स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आप लोगों को रुकना थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है। वीडियो मेरी लंबी हो गई है, इस वजह से मैं बस 2 पार्ट में बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक ही दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको सही परफेक्ट करनी है, नहीं तो स्क्रिप्ट आपकी काम नहीं करेगी। एक भी आपका मिस हो गया तो आपको स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, इसलिए सारी चीज़ें देखनी है। जो मैंने सेटिंग बताई है वही सेटिंग करनी है, उसके अलावा आप लोग जो है वर्क कर सकते हो आसानी से, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। यहाँ पर क्लिक करोगे, इसको मैंने क्लिक करा, क्लिक है टू डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर मैंने क्लिक करा, ये शॉर्ट लिंक आ जाएगा। इसको आप तो सब लोग कंप्लीट करना जानते होंगे, ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट करना। एड ब्लॉक लगा हुआ इसलिए मेरा आगे नहीं जा रहा, आप अगर डाउनलोड कर सकते हो मुझे पता है, क्योंकि आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग ये शॉर्ट लिंक कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरी जो थ्री स्क्रिप्ट आपको लोगों को यहाँ मिलेगी, ऑटो स्क्रोलर सॉल्वर स्क्रिप्ट है, क्लिक है टू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और इस तरीके से ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पे ए बी लिंक पड़ी हुई है, स्क्रिप्ट रिकैप्चा पड़ी हुई है और ऑटो क्लेम स्क्रिप्टोस स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ये तीनों आपको डाउनलोड करनी है और एक ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। 4 स्क्रिप्ट हो गई, 4 की 4 मैंने इंस्टॉल करी हैं। सही है, तो आप लोग भी इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हेयर पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट लिंक अपलोड करेंगे और आपको तीनों की स्क्रिप्ट यहाँ मिल जाएंगी, एक स्क्रिप्ट यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और $10, $5, $8 जितनी आपकी मर्ज़ी आप अर्निंग कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग जो है छोटे छोटे ब्राउज़र बना के इस तरीके से ऐसे करके इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे करके लगा दो छोटे छोटे ब्राउज़र और ये खुद ही ऑटो क्लेम होते रहेंगे। आप लोग खाना खाओ, जो करो, कहाँ कहीं जाना है जाओ, पीसी खोलो जाओ,
जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती है, अगर जैसे कोई एरर आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो है उसको यहाँ पे आओगे, हिस्ट्री पे आओगे, हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री करनी है, यहाँ पे आपको ऑल टाइम करना है, ऑल टाइम करने के बाद क्लियर डेटा कर देना है, क्लियर डेटा करें, एडवांस में आए यहाँ पे ये सब और ऑल टाइम पे कर देना है और क्लियर हिस्ट्री कर देनी है। और एक लास्ट सेटिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोगों को करना ज़रूरी है, प्राइवेसी गूगल क्रोम की सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन है इसको बंद कर देंगे, लोकेशन बंद कर दी, सही है। और सिक्योरिटी पे चेक कर लेते हैं, सिक्योरिटी पे आएंगे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को साइट सेटिंग पर भी कहाँ चले गया, कुकीज़ एंड अदर साइट, हाँ कुकीज़ एंड अदर साइट पे आएंगे, इसको ऑन कर ऑफ़ कर देना, इसको ऑन कर देना, कंफर्म कर देना, बस आपकी सेटिंग हो गई, आप लोग बस अपना काम करें। अभी ये मुझे BNB कोई भी एड्रेस मेरा नहीं लगा हुआ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी मैं लगा लूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। और सारे एड्रेस आप लोगों को भी लगाना है, ताकि अगर डबल अर्निंग करनी है आप लोग 10 12 15 20 30 जितने ब्राउज़र बनाने बनाओ, और सिर्फ ऑटो अर्निंग चेक करते रहो बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश करते रहोगे आपके, ये देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, देखो खुद ब खुद पैसे मिले जा रहे हैं, है ये उम्मीद कर। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, सारी चीज़ें स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल करने के बाद जो है आप उसको उस बाद में सबसे एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक पर क्लिक कर देना है, क्लेम फ्री क्वाइंस की मैं लिंक दे दूँगा, बस सारी चीज़ें करने के बाद जो भी मैंने वीडियो में बताई है उसको फिर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। हर ब्राउज़र में इसी तरीके से करना है, 10 ब्राउज़र बना लो, VPN लगा लो, जो करना है कर लो, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।